ना है थेपला ना है मेथी का पराठा, सर्दियों का सबसे हेल्दी सुपर टेस्टी स्पेशल नाश्ता जिसे एक बार बनाओ हफ्ते भर खाओ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता जिसमें है ढेर सारे विटामिन, आयरन, फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन। हेल्दी, टेस्टी और बनाने में इतना आसान कि आप देखते ही पूरी सर्दी यही बनाना चाहेंगे। साथ में आप एक बार बना करके इसको हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, यानी ट्रैवलिंग और टिफिन के लिए बेस्ट रेसिपी है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्दियों का सबसे खास और सुपर हेल्दी गुजरात का फेमस नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन या कोई परात ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे 1.5 कप बाजरे का आटा। बाजरे का आटा सर्दियों में बेहद फायदेमंद होता है। बाजरे में होता है ढेर सारा आयरन, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स और फाइबर। और ये हो गया 1/2 कप। और तो सर्दियों में जब आप बाजरे से इस तरह नाश्ता बनाएंगे तो पूरी सर्दी आप यही खाना चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात, एक बार बना करके ये पूरे 7-8 दिन भी खराब नहीं होता। अब इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए 5 बड़ा चम्मच गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी पराठा बनाते हैं ना, बस वो। तो इससे इसको अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। बाजरे का आटा बहुत ही फायदेमंद होता है ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, बीपी कंट्रोल करने में, साथ के साथ नेल्स, स्किन और हेयर सभी चीजों को चमकदार और बढ़िया बनाता है। तो इस नाश्ते को बनाना तो बिल्कुल बनता है। और अभी तो विंटर का टाइम है तो पक्के से बनाइए, बहुत ही सेहतमंद नाश्ता है, सबको पसंद आएगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो जाएगी सर्दियों की जान, हरी भरी ताजी मेथी। तो यहाँ मेथी को मैंने साफ कर लिया, साफ करके डंडिया हटा करके बढ़िया से धो लिया और सारा पानी निकल जाने के बाद मेथी को इस तरह बारीक कट कर लिया। सारी मेथी हम यहीं पर डाल देंगे। सर्दियों में मेथी, बाजरा, ये सब चीजें जरूर खानी चाहिए, सेहत के लिए वरदान जैसे हैं ये। गर्माई देती हैं शरीर में, इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं और बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, आयरन का भंडार है ये। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2-3 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पे जरूरी पॉइंट, मेथी धोने के बाद जब उसका सारा पानी निकल जाए तभी आप उसको काट करके डालें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इस आटे को गूंथने में हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसमें जाएगा इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 छोटे चम्मच अदरक, हरी मिर्च का दरदरा किया हुआ पेस्ट। साथ में डालेंगे 2 छोटे चम्मच सफेद तिल, बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप नहीं लाइक करें तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन तिल वगैरह में बहुत कैल्शियम होता है और मेथी के साथ इसका जबरदस्त कॉम्बिनेशन होता है। जो गुजरात के ट्रेडिशनल मेथी धेवरा की रेसिपी है उसमें तिल को जरूर डाला जाता है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन, इस तरह से हाथ में रखकर क्रश करके। बहुत अच्छा लगता है इसका फ्लेवर इस नाश्ते में। 1 छोटी चम्मच डालेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची पाउडर और इस नाश्ते में बढ़िया कलर उठाने के लिए डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार। साथ ही डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। वैसे आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं पर ये चीजें ना घी में ज्यादा बढ़िया लगती हैं। अब सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से आटे के साथ करेंगे मिक्स। इस रेसिपी के लिए मेथी के साथ जो बाजरे का कॉम्बिनेशन है वही इसको स्पेशल बनाता है। और बिल्कुल पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस नाश्ते को बना करके आप पूरे हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। यानी कहीं आप सफर पर जा रहे हैं या पिकनिक या टिफिन में रखकर लेकर जाना चाहते हैं 2-3 दिन के लिए सफर पर, तो आप इस नाश्ते को बनाकर ले जाइए, बिल्कुल भी तो खराब नहीं होगा, खाने में बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी तो है ही। अब देखिए, इसके फ्लेवर को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करने के लिए और इसको बैलेंस करने के लिए इसमें डाला जाता है ट्रेडिशनली गुड़ का पानी। 2 चम्मच मैंने गुड़ लिया, उसे क्रश कर लिया और 2-3 चम्मच पानी में बढ़िया से घोल लिया। तो इस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपको हल्का सा मीठापन पसंद है तो। ट्रेडिशनल रेसिपी में डाला जाता है क्योंकि इन चीजों के फ्लेवर को ये बैलेंस करता है। यदि नहीं लाइक करें तो बगैर इसके भी बना सकते हैं या इसकी जगह क्रश्ड आप थोड़ा सा चीनी का पाउडर या फिर गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहीं पर गुड़ के पानी को भी डाल देंगे। और अब इसमें नेक्स्ट जाएगा फ्रेश दही, ताजा दही लेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले 4 चम्मच दही डाल रही हूँ और दही में ही हम आटे को गूंथेंगे। आप यहाँ दही की जगह जो मठा होता है ना, बटर मिल्क, वो भी यूज कर सकते हैं। तो बढ़िया से दही के साथ इसका एक सेमी टाइट डो तैयार करेंगे, मतलब ना ज्यादा सख्त आटा लगाएंगे ना ज्यादा मुलायम। तो दही को एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, फिर जितनी जरूरत हो उस अनुसार ऐड करें। अगर आपको दही की मात्रा कम लगे तो थोड़ा सा दही आप और बढ़ा लें। इस पूरे आटे को हमें दही या मठे से ही मलना है जिससे कि ये ज्यादा दिन तक चल जाए, खराब ना हो। और ये लीजिए, बिल्कुल बढ़िया मैंने आटा तैयार कर लिया है। ये देखिए, ना बहुत ज्यादा नरम है ना बहुत ज्यादा सख्त, बिल्कुल जैसे रोज में पराठे वगैरह का बनाते हैं ना, उससे हल्का सा सख्त रखेंगे, ऐसा हमें आटा इसका तैयार करना है।
अब हम लेंगे इसमें से बिल्कुल मीडियम साइज की लोइयां, जैसे रोटी या पराठा बनाने के लिए लेते हैं ना, बिल्कुल उसी साइज की। इस तरह हथेली के बीच में रखकर इसका गोल पेड़ा तैयार करेंगे, ये देखिए इस तरह। और इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे, जिससे कि बाद में हमें बेलना आसान हो। अब आप लीजिए मेथी ढेबरा बनाने के लिए इस तरह का पेड़ा, और उसे आटे में इस तरह कोट करेंगे जिससे ये चिपके नहीं। हल्का सा कोट करेंगे, चकली पर रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे और इसको बेलन से बेल लेंगे। जब आप इसे बेलन से बेलेंगे तो इसके जो किनारे हैं वे आपको फटे फटे दिखेंगे, क्योंकि बाजरे के आटे का बना रहे हैं ना हम। लेकिन कोई परेशानी नहीं, चाहे तो आप इसको इसी तरह बैलेंस करके शेप को मेंटेन करते हुए बेल सकते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ, जिससे कि सारे ढेबरे हमारे समान लगे और देखने में सुंदर दिखे। मीडियम थिकनेस का बेलना है, पराठा जैसे बेलते हैं ना उसे, हल्का सा मोटा, क्योंकि ये ना तभी बढ़िया लगते हैं खाने में। ये देखिए इस तरह से बेल लिया, चाहे तो आप इसको डायरेक्ट इसी तरह सेक सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ एक आसान तरीका। आप लीजिए इस तरह का कोई भी टिफिन का ढक्कन ले लीजिए या कोई कटोरी ले लीजिए बड़े साइज की, इस तरह रखिए और प्रेस कर दीजिए, तो सारे ही हमारे जो मेथी के ढेबरे हैं वो बिल्कुल बराबर बनेंगे और सुंदर बनेंगे। साइड्स को आटे में वापस मिला देंगे, फिर यूज कर लेंगे। तो है ना आसान तरीका, ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। तो सारे ही मेथी के ढेबरे इसी प्रकार हम तैयार करेंगे, और देखिए ये होगी थिकनेस। तो सर्दी का मौसम एक ऐसा मौसम है कि हमें खूब हेल्दी चीजें खानी चाहिए, बच्चों को भी खिलानी चाहिए, और इस तरह के नाश्ते वगैरह बना लीजिए तो कोई परेशानी नहीं होती। भूख लग रही है, चाय के साथ शाम को कुछ खाना है, तो आप ये मेथी ढेबरा एंजॉय कर सकते हैं। बाहर जा रहे हैं तो लेके चले जाइए, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं या अपने ऑफिस के टिफिन में भी ले जा सकते हैं। बहुत ही काम की रेसिपी है, खाने में भी बहुत बढ़िया। और ये लीजिए मैंने सारे ही मेथी के ढेबरे इस तरह से बेल करके तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए कितने मस्त दिख रहे हैं, बनने के बाद तो मजा आ जाएगा। थोड़े से सफेद तिल मैंने ऊपर से भी सजा दिए हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको अच्छे लगे तो लगा दीजिए, वरना अंदर तो हमने डाले ही हैं। चलिए फटाफट से सेकते हैं। अब सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक तवा, फ्लेम को रखेंगे मीडियम। सबसे जरूरी पॉइंट, इस नाश्ते को सेकने से पहले सबसे पहले आप तवे पर थोड़ा सा घी या तेल जरूर लगा लें, और फ्लेम को यहाँ मीडियम रखेंगे। इस तरह से डालेंगे अपने नाश्ते को और बढ़िया से दोनों साइड से उलटते पुलटते गोल्डन इसको सेक लेंगे। तो अब अगर आपको बाजरे की रोटी पराठा बनाना झंझट लगता है, कठिन लगता है, तो आप ये मेथी ढेबरा बाजरे वाला तो बना ही सकते हैं, क्योंकि अब इसको बनाना मैंने कर दिया है बहुत ही आसान। अब यहाँ पर थोड़ा सा घी एक मिनट बाद इसके ऊपर भी इस तरह लगा देंगे, चाहे तो आप तेल में भी इसको सेक सकते हैं। और बस इस स्टेज पर इसको हम इस तरह पलट देंगे और बस दोनों साइड से इस तरह हल्का सा प्रेस करते हुए मध्यम आंच पर इसको गोल्डन सेक लेंगे। ये देखिए क्या मस्त सिका है ना, एकदम आसान, बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, एकदम बढ़िया से हमारा मेथी ढेबरा सिक गया है, ये देखिए परफेक्ट। तो इसको उतार लेंगे, इसी तरह हम अपने सारे मेथी ढेबरे तैयार करेंगे। तो जब तक हमारा नाश्ता हो रहा है तैयार, फटाफट बनाते हैं बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी झटपट वाली चटपटी चटनी, जो इस मेथी ढेबरे का स्वाद 100 गुना बढ़ा दे। 1/4 कप लहसुन की कली, 2 बड़ा चम्मच रेगुलर लाल मिर्च, और 2 बड़ा चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। अब यहाँ पर डालिए 1 छोटी चम्मच चीनी और 1 छोटी चम्मच नमक। बिना पानी डाले बस ऐसे ही सूखा इन सभी चीजों को हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा। और ये लीजिए एकदम बढ़िया जबरदस्त वाली खुशबू आ रही है। अब आप गैस पर चढ़ाइए एक पैन, और पैन में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल मीडियम फ्लेम पर। जो भी हमने मिक्स तैयार किया ना ग्राइंडिंग जार में लहसुन का, सारा हम इस ऑयल में डाल देंगे और बिल्कुल बढ़िया से ऑयल में लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़ा चम्मच दही, और साथ ही में इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच पानी। इस तरह मिक्स कीजिए और इसको हम डाल देंगे चटनी में। तो बस इस तरह 1 मिनट और पका लें लो फ्लेम पर। तो बढ़िया से हमारी चटनी कुक हो गई है। तो इस स्टेज पर इसमें देखिए बॉईल भी आ गया है, गैस को बंद कर देंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे, करेंगे सर्व। तो लीजिए चटनी भी हो गई है तैयार, फटाफट करते हैं अपने मजेदार नाश्ते को सर्व। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा जबरदस्त टेस्टी विंटर स्पेशल बाजरे मेथी का नाश्ता। ये देखिए ये जितने देखने में अट्रैक्टिव लग रहे हैं, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं, हेल्दी हैं, बिल्कुल भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे। साथ के साथ इस तरह बना करके ये पूरे हफ्ते भी खराब नहीं होने वाले। और मेथी ढेबरा लीजिए, इसके ऊपर डालिए थोड़ा सा देसी घी, मजा आ जाएगा। ट्रेडिशनल रेसिपी है, बहुत पौष्टिक है, और इस तरह से खाएंगे तो आपको 100 गुना स्वाद बढ़ जाएगा। तो अब मेथी के पराठे, मेथी के थेपले, ये तो आपने कई बार खाए होंगे। अब बनाइए सर्दियों की ये स्पेशल और ट्रेडिशनल रेसिपी, जो पूरे परिवार को बेहद पसंद आने वाली है। और इसको मैंने यहाँ सर्व किया है हमारी चटपटी लहसुन लाल मिर्च चटनी के साथ।
साथ में या तो आप दही के साथ या किसी तरीके की डिप, मेयोनीज कुछ भी सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये स्पेशल मेथी ढेबरे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।